आगामी त्योहारों को लेकर स्थानीय निजी गार्डन में मंगलवार को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गणेश समिति, झांकी निर्माता समिति पदाधिकारी, अखाड़ों के उस्ताद और खलीफा स्वागत मंच लगाने वाले संगठन के पदाधिकारियों के अलावा प्रबुद्ध जन, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारगण मुख्य रूप से उपस्थित हुए। थाना प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर उन्हें बॉन्ड ओवर करने के निर्देश देते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ त्योहार मनाने की अपील की। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन वाले दिन सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए। बच्चों व बुजुर्गों को गहरे पानी में जाने से बचे। बैठक को नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि तेजादशमी को राजवाड़ा चौक की साफ सफाई के साथ झांकी निकलने वाले मार्ग को दूधिया रोशनी से सुसज्जित किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक झांकी को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अपनी ओर से पारितोषिक दिया जाएगा। गौरतलब है कि बैठमा में डोल 11 पर विभिन्न झांकियों का कारवा निकलता है, जिसे निहारने के लिए आसपास के हजारों की संख्या में लोग बैठमा पहुंचते हैं। इस अवसर पर SDOP राहुल खरे, मूलचंद शर्मा, नीलेश उपाध्याय ने भी संबोधित किया। साथ ही प्रबुद्ध जन, जनप्रतिनिधि, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आभार थाना प्रभारी संजय सिंह ने माना। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज दिनांक को बैठमा थाने पर आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के आयोजकों को, गणमान्य नागरिकों को, पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें हमने और आयोजकों ने यह डिसाइड किया कि जो पारंपरिक रूट है उसी रूट पर से झांकी निकाली जाएगी और एक तरफ मंच लगाए जाएंगे, दूसरी तरफ दुकानें आयोजित की जाएंगी और शासन के निर्देशों के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। द्वारा बैठमा नगर के अंदर शांति कमेटी की मीटिंग बिठाई गई थी। यह मीटिंग आगामी तेजादशमी, डोल 11 और अनंत चौदस के लिए रखी गई थी। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि जो बैठमा नगर के अंदर झांकियाँ निकलती है, डोल निकलते हैं और अखाड़े निकलते हैं, ये सभी अपने सौहार्दपूर्ण तरीके से निकलें। साथ ही साथ इस मीटिंग के अंदर अखाड़ों के ऊपर धारदार हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, तो सभी लोग अपना ये त्यौहार शांति से और उस उद्देश्य से मनाएं। साथ ही साथ नगर परिषद, MPB, चिकित्सालय, इन सभी को भी निर्देशित किया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना जो कार्य है पूर्ण ईमानदारी से और अच्छे व्यवस्थित कार्यक्रम से करें। नगर परिषद की तरफ से, माननीय विधायक जी की तरफ से और सांसद जी महोदय की तरफ से सभी झांकियों को एक पारितोषित दिया जाएगा। यह एक पहली पहल है। इस पहल का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी अपने त्यौहारों के अंदर जो धीरे धीरे जो एक रूखापन आ रहा है, उसको कैसे भी करके इन सभी लोगों को जागृत किया जाए, इसी उद्देश्य के तहत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।